कोरबा में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना ने कोरबा जिला एवं पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। इस हत्या में भैया भाभी के रिश्ते और परिवार के विश्वास का भी खून हुआ है। जहां बड़े भाई ने हत्या का षड्यंत्र, छोटे भाई, बहू और पुत्री समान 4 साल की मासूम लाडली का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मृतक हरीश कंवर परिवार में सबसे छोटा भाई था और वह हमेशा बड़े भाई को पिता तुल्य दर्जे दिया करता था, लेकिन उसी पिता तुल्य भाई ने महज जमीन और संपत्ति के लालच में पारिवारिक विवाद के कारण हत्या की पूरी साजिश रच डाली और इस हत्याकांड में अपनी पत्नी और साले समेत 6 लोगों को शामिल कर पूरी घटना को अंजाम दे डाला। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस कप्तान दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। पुलिस को पूरे मामले को समझने में देर नहीं लगी और महज कुछ ही घंटे में इस मामले का पटाक्षेप करते हुए मुख्य आरोपी तक जा पहुंचे। मुख्य आरोपी के पकड़ में आने के बाद वे पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए घटना की पूरी दास्तान पुलिस को सुना दी। घटना का मुख्य आरोपी परमेश्वर कंवर के बताए अनुसार उसके जीजा हरवंश कंवर और उसकी बड़ी बहन ने अपने देवर हरीश कंवर एवं उसके परिवार को जान से मारने का षड्यंत्र रचे थे और उन्हीं के इस कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी का साथी रामप्रसाद मन्नेवार भी शामिल था। मुख्य आरोपी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रात लगभग 2 बजे से सुबह होने का इंतजार करते रहे, जिसके बाद मृतिका की भाभी और मुख्य आरोपी की बड़ी बहन के द्वारा मोबाइल SMS के माध्यम से सुबह घरेलू स्थिति से अवगत कराया गया, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन उसका जीजा परिवार को लेकर सुबह वॉक के लिए निकल पड़े, जिसके बाद आरोपियों ने घर में प्रवेश कर मृतक हरीश कंवर के ऊपर धारदार हथियार से उसका कत्ल कर दिया। साथ ही हरीश कंवर की पत्नी सुमित्रा कंवर का भी गला रेतकर मौत के घाट उसको उतार दिया गया। दोनों हत्याओं को अंजाम देने के बाद आरोपियों की दरिंदगी खत्म नहीं हुई। तीसरे निशाने में मृतक हरीश कंवर की 4 वर्ष की मासूम बच्ची को भी इन दरिंदों ने नहीं बख्शा और बेरहमी से कत्ल कर डाला। आरोपियों ने पूरी बर्बरता पूर्वक तीनों के सिर को बुरी तरह कुचल दिया और फरार हो गए। पुलिस की जांच के दौरान घटना के हर एक बिंदुओं को कड़ी बनाया गया, जिसके बाद एक एक कर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। सभी आरोपियों पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं पुलिस अभी भी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि मृतक एवं उनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़कर राजनीति करते आ रहे हैं। मृतक के पिता स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। मृतक हरीश कंवर भी राजनीति कर लोगों की सेवा में लगे रहते थे। इतने बड़े ओहदे वाले राजनीतिक परिवार में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना से हर कोई स्तब्ध है। वहीं सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। आज मॉर्निंग में तकरीबन 6:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि महसबा में दो पूर्व डिप्टी CM श्री परगर कंवर जी ने उनके छोटे बेटे हरीश कंवर, उनकी वाइफ सुमित्रा कंवर और उनकी 4 साल की बेटी याशी का किसी ने मर्डर कर दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस को जुटाने शुरू की। जब CCTV की तफ्तीश की गई तो उसे पता लगा करीबन 4:15 बजे के आसपास उनके बड़े भाई की फैमिली के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और निकलते ही करीबन 4-5 मिनट के अंदर दो अज्ञात हमलावर जो अपना मुंह बांधे हुए थे वो घर के अंदर घुसे हैं। इन्होंने ये पूरा घटना को अंजाम दिया है। वहाँ से वो करीबन 20 मिनट बाद 4:37, 4:38 के आसपास में वहाँ से निकल गए। सर, मामले में कुल कितने आरोप हैं, क्या वजह बताई जा रही है घटना की? इनके निकलने के बाद में हमने डॉग स्क्वाड को यूज़ किया, साथ में CCTV कैमराज का सहारा लिया और जब हमने ट्रेस किया तो पता लगा पीछे के रास्ते से होते हुए वो लोग निकले हैं एक रास्ते में और जो रास्ता फिर से टॉन बना की तरफ जाता है। साथ में हमने थोड़ा सा घटनास्थल का जब अवलोकन किया तो ये समझ में आया कि थोड़ा पर्सनल टाइप का रंजिश टाइप का घटना लगा है, क्योंकि उनकी जो मदर थी उनको नुकसान नहीं पहुँचाया गया, बाकी के तीन को बड़ी विवस्त तरीके से गले के ऊपर ही प्रहार करके मारा गया। जब हम लोग थोड़ा और जानकारी लिए तो हमको थोड़ा सा ऑल डिटेल भी आया, बाकी चीज़ भी आई, तो हमको ये सूचना भी मिली कि इनका जो बड़े भाई का एक साला है वो
करतला में किसी चोट के कारण अस्पताल में पहुंची है। जब अस्पताल में हमने अपनी तुरंत टीमें भेजी, हमको थोड़ा शक होने लगा, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर्स हमसे जायजा लिया, तो उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट का एक विक्टिम यहाँ आया है, और उसको जब तब तक टाके वाके लग रहे थे तब उन्होंने पूछताछ की, तो डॉक्टर ने भी बताया कि थोड़ा एक्सीडेंट का चोट नहीं लग रहा है, किसी और तरह का चोट लग रहा है। फिर हमने उसको कस्टडी में लेके पूछताछ किया और उसको पूरा सर्च किया, तो हमको दिखा कि उसकी कई जगह बॉडी में ब्लड के छोटे छोटे निशान मिले, कोई बड़े निशान शायद उन्होंने साफ कर दिए, कुछ छोटे निशानों को नहीं मिला पाए थे उनको लेकर। फिर हमने उसको और भी ज़्यादा शक होने पर फिर कस्टडी में लिया, उसके फ़ोन को जब्त किया, फ़ोन को जब्त करके तब तक चार्ज नहीं था, फिर बाद में चार्जिंग पे लेके जब चेक किया तो कुछ मैसेजेस भी हमको मिले, बहुत ही क्रिप्टिक टाइप के छोटे छोटे से मैसेजेस थे, जिससे भी हमको लग रहा था वो सुबह के ही मैसेज थे, तो उससे भी हमको थोड़ा अंदेशा हुआ कि इसने इनकी हत्या में हिस्सा लिया है। जब पुलिस के कस्टडी में लेकर और कड़ाई से उससे पूछताछ हुई तो फिर उसने माना कि हाँ उसने हत्या की है, और अपने एक साथी जो राम प्रसाद मन्नेवार है इंदन झरिया का, उसके साथ में मिलकर इसने इन दोनों को, इन पूरे परिवार को मारा है। तब हमारे पुलिस ने उसके बाद में 9:30 बजे तक ये सारा क्लियर हो गया था, तब तक हम दूसरे आरोपी की तलाश करने लगे जो कि फिर अपने घर से भाग गया था, उसके लिए पूरे जिले में नाकेबंदी की गई। तो नवेद बैरियर पर वो उसका तब तक खुलिया फोटो वोटो लेकर हमने दे दिया था सभी जगह, तो नवेद बैरियर पर दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया। इन दोनों की बिना पर फिर जो हथियार था जो इन्होंने नॉर्थ बिर्रा के तालाब में फेंक दिया था, वो दोनों हथियार भी हम लोगों ने रिकवर किए, और कुछ अधजले कपड़े थे और उसके आसपास में जो पत्ते थे जहाँ पे इन्होंने जलाने की कोशिश की थी वहाँ पे बहुत सारा खून फैला हुआ था, उसको भी हम लोगों ने पूरा रिकवर किया, अपना एविडेंस कर लिया। जब थोड़ा और तफ्तीश की तो इनसे पता लगा कि जब मॉर्निंग में इनके बड़े भाई की फैमिली निकली थी तो उन्होंने ही इनको मैसेज से सूचित किया था कि हम लोग निकल गए हैं और गेट बाहर से बंद है तो जा सकते हैं, तो इसका शक फिर दूसरे के जो बड़े भाई और उसकी फैमिली उस पर भी आ गए। तब उनको भी हमने कस्टडी में लेके पूछताछ की, तो उन्होंने भी फिर बाद में बहुत कड़ाई से पूछताछ करने पर माना कि हाँ इनका इनसे कुछ बैर था, और उसमें क्योंकि इनको आर्थिक रूप से वो बहुत सशक्त थे और ये काफ़ी कमजोर थे और आर्थिक रूप से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो जो बड़े भाई की बीवी है उसके भाई ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया कैसे भी करके इनको बदला भी दिया जाए और इनसे इनको या रास्ते से हटाए, इसी में प्लानिंग कर रहे थे। इसमें एक बार पहले भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किए थे 18 तारीख को, बट वो नहीं हो पाया था, तो इन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया है।